लास्ट जो क्वेश्चन था वो हमने पढ़ा था साई के बारे में, शैडो के बारे में, कि शैडो को किस तरह का होता है और कैसा होता है, इसकी जिसामत कैसी होती है, साइज कैसा होता है शैडो की। आज हम जो एक नई चीज पढ़ेंगे वो है ग्रहण क्या है, बट इज एक्लिप्स, ठीक है, कि ग्रहण से क्या मतलब। आपने ये लफ्ज सुना होगा कि चांद ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ग्रहण क्या होता है, फिर पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, सारा नेक्स्ट लेक्चर चांद ग्रहण के बारे में। ग्रहण क्या होता है, जमीन सूर्य के गिर्द, हमें पता है कि जो जमीन है वो सूर्य के गिर्द घूमती है, और इसी तरह चांद जमीन के गिर्द घूमता है। तो जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, चांद जमीन के गिर्द घूमता है, इसका मतलब जो चांद है वो जमीन और सूर्य दोनों के गिर्द घूमता है। जब चांद जमीन और सूरज एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो ग्रहण लगता है। बेटा जब ये घूमते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये ना तीनों सीधी लाइन में, एक ही लाइन में आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो तब शेडो बनता है, ग्रहण लगता है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व मून अराउंड द अर्थ, व्हेन द मून एंड द अर्थ एंड द सन कम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एक्लिप्स टेक प्लेस। के जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो ग्रहण लगता है। अब हम पहले ये देखेंगे कि सूर्य ग्रहण चांद ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है, बेटा जब चांद हस्तगत करता हुआ जमीन और सूर्य के दरमियान आ जाता है तो ये जमीन पर अपना साया डालता है, इसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अभी हमने देखा पढ़ा कि जो चांद है वो जमीन के गिर्द घूमता है, तो ये जैसे फिगर में दिखाया गया ये वो सर्कल है जिस पर चांद घूमता है, ठीक है, और ये सन सन घूमता नहीं है, सन अपनी जगह पर कायम है, ठीक है। तो बेटा जब ये चांद घूमता घूमता जमीन के गिर्द एक वक्त ऐसा आता है कि ये सूरज के बिल्कुल सामने आ जाता है, जिस तरह के इस शक्ल में दिखाया गया। तो जब ये सूरज के सामने आ जाता है तो चांद आपको पता है गैर शफाफ चीज है, तो जब रोशनी किसी गैर शफाफ चीज पर पड़ती है तो वो अपना साया बनाती है, तो फिर चांद का जो साया होता है ना वो जमीन पर पड़ता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं सूरज ग्रहण। तो व्हेन द मून कम बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब जो मून है वो जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, इट्स शैडो ऑन द अर्थ, तो ये अपना साया जमीन पर छोड़ता है, ठीक है, ये डालता है। दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, जिसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, यानी के सूरज ग्रहण, ठीक है। सूरज ग्रहण में क्या होता है बेटा, जो चांद होता है वो सूरज और जमीन के दरमियान आता है, सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो चांद जो कि गैर शिफाफ चीज है तो उसमें से रोशनी गुजरकर जमीन तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि वो जमीन पर अपना साया यानी के शैडो बनाती है, ठीक है, तो उसे हम सूरज ग्रहण बोलते हैं। तो ये थे आज के हमारे दो क्वेश्चन के, पहले हमने पढ़ा ग्रहण से क्या मतलब, फिर हमने पढ़ा सूरज ग्रहण से क्या मतलब। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमके और एक पॉइंट रह गया, वो है चांद ग्रहण के, सूरज ग्रहण तो हमने पढ़ लिया ना, चांद ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, लूनर एक्लिप्स क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।